फिर आ रहा है चुनावी साल। कितना काम हुआ पिछले पांच साल, क्या है आपके विधानसभा का हाल, जनता पूछेगी हर एक। समाज सेवी निरंजन राय लड़ेंगे धनवार से चुनाव की घोषणा की। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ेंगे चुनाव, कहा जनता के कहने पर लड़ रहा हूं चुनाव। तीसरी प्रखंड के पैपिलो गांव में अपने पैतृक आवास के सामने चबूतरा पर धनवार विधानसभा क्षेत्र के हजारों समर्थकों को और आम लोगों के राय सुमारी और एक साथ शपथ लेने के पश्चात समाज सेवी निरंजन राय ने चुनाव लड़ने की घोषणा की, जिसके बाद लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। बता दें कि धनवार विधानसभा के हजारों की संख्या में जनता धनवार विधानसभा से चुनाव में उतरने के लिए बैठक किया गया। बैठक में आए हजारों संख्या में जनता आपस में रायशुमारी और जमा माता का हाथ उठाते हुए एक स्वर में शपथ लिया कि इस बार विधानसभा चुनाव में विधायक के रूप में क्षेत्र के एक बेटा को खड़ा होना देखना चाहता है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पीएन न्यूज इंडिया। तब तो हमको, हम तो आपसे क्या दुश्मनी किए थे भैया, हम तो अभी तक किसी को कुछ नहीं बिगाड़े। देखिए, मैं अभिनंदन करता हूं, आपके चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करके कहना चाहता हूं कि आप इस पुण्य धरती पर देव समान उपस्थित हुए हैं। किसी के मन में कोई कलेश नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति भी कोई एक उपस्थित सारे लोग एक बार में उठे हैं, किन्हीं के मन में कोई कलेश नहीं है। इसलिए अब हम आग्रह करेंगे अपने भाई निरंजन जी से कि हम सभी चाहते हैं आप चुनाव लड़ें, आपको लड़ना पड़ेगा, आपका आवश्यकता है। चुनाव लड़ो है तो उनके स्टाइल में सब पार्टी आंधी में उड़ जाए और जनता सिर्फ बच जाए। चुनाव निर्दलीय लड़ना है तो यही करना होगा, क्योंकि अगर सारा जनता अगर मिल गया तो पटिया कहां बचा। हम इसलिए निर्दलीय कभी भी हम बोले थे 2 तारीख को भी बोले थे कि हम चुनाव लड़ेंगे तो निर्दलीय। कारण है कि निर्दलीय में हमको मुसलमान भाई का भी वोट मिलेगा। मुसलमान भाई कभी बीजेपी को नहीं दे सकता, ना हम बीजेपी में जा सकते हैं। हमको निर्दलीय लड़ना है और जातिवाद को खत्म करना है। हमारा एक पहला इच्छा है कि हिंदू मुस्लिम का जो बीच की जो पार्टी है उसको मिटाना है। झारखंड का यहां पर कैंडिडेट राजकुमार जी है, निजामुद्दीन जी है, श्री बाबूलाल मरंडी जी है, उसके बाद हम निर्दलीय लड़ेंगे। जब हाथी के सामने एक जीती जाएगा एक लड़का, तब तो वो लोग फाड़ देगा, किसी के पास एनएक्स जी है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। तो भैया अगर हमको मारेगा और आपका लक्ष्मण बाबू और रविंदर बाबू आके कह देंगे कि आप वोट बीजेपी दीजिए, तो हमने आपका क्या बिगाड़ा था। तो ये पहले मेरा समाज को जय माता कसम खाना होगा। पहले बोलिए कि जय माता का हम लोग कसम खाते हैं और हम तब तक लंच नहीं करेंगे। यहाँ से पैदल चलना होगा जवानों सबको, यहाँ से वही बहुत अलाउंस करेंगे कि हम चुनाव लड़ेंगे क्या नहीं। वैसे हम नहीं, क्योंकि भैया मैं विधायक से कम नहीं, विधायक से ऊपर हूं। आज मैं विधायक नहीं हूं, विधायक वाला हूं। सांसद नहीं हूं, सांसद वाला हूं। आईएएस नहीं हूं, आईएएस वाला हूं।